गाइज मैंने अपने ज़िनफोन मैक्स प्रो M1 में भी इसे फ्लैश किया बट अनफॉर्चुनेटली बूट एनिमेशन से ये आगे नहीं बढ़ पाया। Redmi Note 5 Pro में भी इसे फ्लैश किया और ये रहा आपके सामने ऑक्सीजन OS 5.1। गाइज इसका सारा क्रेडिट जाता है गूगल प्रोजेक्ट ट्रेबल को एंड इन अमेजिंग डेवलपर्स को जिनके कारण से हमने सक्सेसफुली अपने डिवाइस में DP5 यानी Android P DP5 एंड ऑक्सीजन OS टेस्ट किया। गाइज आई एम सॉरी के कुछ रिक्वेस्ट लाइक मोटो G5S प्लस में IMEI नंबर जो है 00 हो गया है बहुत से लोगों का एंड उसे बिना EFS बैकअप कैसे फिक्स किया जाए, तो इस पे वीडियो एंड बूट लोडर रीलॉक करना OTA फीचर के साथ, तो ये दोनों वीडियोस पे मैं गाइज डेवलपर नहीं हूँ, मैं चीज़ें ट्राई करता हूँ, मैंने पहले भी कहा मैं चीज़ें ट्राई करता हूँ, जब मुझे सक्सेस मिलता है तो मैं उसे अपने आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट मैं ये अपना मोटो G5S प्लस मेरे सामने है और मैं नेक्स्ट इन्हीं दोनों टॉपिक पे काम करूँगा, अगर मुझे सक्सेस मिला तो नेक्स्ट वीक आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। गाइज ये एक एक्सपेरिमेंटल बिल्ड है और इसमें बहुत सारे बग्स हैं और मैं अभी जस्ट कुछ ही आई थिंक घंटे हुए, एक घंटा या दो घंटा हुआ मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारे मेजर इश्यू मैंने नोटिस किया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर आप फिर भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये एक डेली ड्राइवर मटेरियल नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि मुझे ये ट्राई करना है, इसको मैं एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करूँगा, उसमें ये भी फिक्स चाहिए वो भी फिक्स चाहिए। ऑब्वियसली डेवलपर्स को टाइम चाहिए, अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे फिक्सेस भी आ सकते हैं, शायद आप फ्यूचर में इसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी ये यूज़ करने लायक नहीं है। बट फिर भी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हैं। OS स्मूथ है और नॉच डिस्प्ले का मज़ा आप ले सकते हो, पर आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो। डार्क एंड लाइट थीम विद एक्सेंट कलर्स अवेलेबल है। कुछ फीचर्स ऑक्सीजन OS के हैं जो काम नहीं करेगा क्योंकि ये OnePlus 6 से पोर्ट किया गया है। जियो वॉल्टी काम कर रहा है, कॉल्स मैंने लिया भी एंड किया भी, वाईफाई भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिंग पे जाकर अटक गया गाड़ी इसकी, और स्पीकर एंड हेडफोन्स के साथ भी मैंने म्यूज़िक इसमें सुने। अब चलते हैं इसके कुछ मेजर इश्यूज की तरफ जिसके बिना आप शायद कोई फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इसमें कोई भी कैमरा ऐप काम नहीं कर रहा है, जी कैम भी मैंने ट्राई किया, इसका डिफ़ॉल्ट इसके साथ जो स्टॉक कैमरा मिलता है उसको अगर आप ओपन करते हो तो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मैंने ओपन कैमरा, फुटेज कैमरा, ये सारे पॉपुलर कैमरा ऐप है जो कि प्ले स्टोर में मिलता है, वो सब भी मैंने ट्राई किया, कोई भी कैमरा ऐप काम अभी नहीं कर रहा है। गाइस क्रोम एंड फायरफॉक्स ब्राउज़र दोनों मैंने ट्राई किया, दोनों इंस्टॉल करके ओपन किया, फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। TWRP रिकवरी मोड पे फ़ोन को बूट कीजिए, बूट करने के बाद वाइप कीजिए डालवे कैश डेटा एंड सिस्टम को, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है मॉकी रोम। ये वही रोम है जो हमने Redmi Note 5 Pro में DP3 इंस्टॉल करते टाइम फ्लैश किया था। रोम फ्लैश करने के बाद ऑक्सीजन OS 5.1 zip फाइल इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अपने PC या डेस्कटॉप पे। उसके बाद इससे आप अपने फ़ोन पे TWRP बैकअप फोल्डर पे पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको TWRP के अंदर कोई बैकअप फोल्डर या TWRP का फोल्डर ही नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी फाइल का अपने TWRP रिकवरी मोड से बैकअप ले लेना। बैकअप लेके फिर से फ़ोन को एक बार रिबूट करना रिकवरी मोड में, वापस से सिस्टम पे नहीं रिकवरी मोड पे बूट करना, आप देखना कि आपका फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। PC से कनेक्ट करना, वापस से अपने डिवाइस को देखना, फोल्डर क्रिएट हो चुका है TWRP फोल्डर के अंदर बैकअप फोल्डर, उस पर आप ये zip फाइल जो है एक्सट्रैक्टेड इसको आप पेस्ट कर देना। अब
TWRP मेन मेन्यू से आपको रीस्टोर करना है। आप देखना रीस्टोर बैकअप के ठीक राइट हैंड साइड में आपको रीस्टोर बटन दिख रहा होगा, इससे टैप करके आप रीस्टोर कर लीजिए सिस्टम को। उसके बाद गाइज आप वेंडर पार्टीशन को माउंट कीजिए, माउंट करने के बाद पैच फाइल जो है एक जिप फाइल इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फ्लैश के बाद आपको लास्ट फाइल जो है FBE डिसेबलर जिप इसे भी फ्लैश कर लेना है। अब आप फ़ोन को रिबूट कीजिए एंड एंजॉय कीजिए ऑक्सीजन ओएस 5.1। गाइज इसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए और आप देख सकते हो मैं स्टूडियो जो है वो सेटअप भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। मैं ऑफिस से भाग कर आता हूँ, फिर इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, कुरियर से बहुत सारी चीज़ें मंगाई है मैं उसको भी ठीक से चेक नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा पैकेट पड़ा है और मैं काफ़ी गंदा सा रूम है, इसे मुझे साफ़ भी करवाना है, उसके बाद स्टूडियो सेटअप करना है, फिर देखता हूँ क्या होता है। और गाइज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर भी रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा आपके डिमांड पे और कुछ अपने पसंद के। तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।